नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे, आप देख रहे हैं तरंग जोड़ी वो न्यूज। रीवा से बड़ी खबर जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एनडीपीएस का एक अपराधी हथकड़ी समेत फरार हो गया है, जहां पुलिस ने पूरे दिन तक मामले को दबाकर रखा, किसी को नहीं बताया और दोस्तों और उसके परिजनों से पूछताछ करते रहे, लेकिन ये अपराधी कहां फरार हो गया अब तक पता नहीं चल पाया है। जो आप लोगों को पूरी खबर बताना चाहूंगा रीवा जिले के रामपुर करछोलियान थाने में एनडीपीएस एक्ट का एक आरोपी हथकड़ी समेत फरार हो गया। सूत्रों की माने तो दिनभर थाना प्रभारी पूरे मामले को छिपाते रहे, लेकिन शाम तक एसपी क्वार्टर हेडक्वार्टर से वीपी सिंह के द्वारा आरोपी को मांगने की पुष्टि की। लेकिन हालांकि बताना चाहूंगा कि आरोपी के भागने के बाद वहां पर हड़कंप मचा हुआ था, जहां एसपी नवनीत भसीन ने गुड़ और सगरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी की तलाश में लगाई है। अब पुलिस परिवार के सदस्यों व दोस्तों से पूछताछ कर रही, लेकिन आरोपी की गिरफ्तार के प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जहां की वो आरोपी मिल सके। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच अंकित सिंह निवासी महसुआ हथकड़ी समेत रायपुर करछुलियान थाने से फरार हो गया, जहां की सूत्रों का दावा है कि शुक्रवार की शाम आरोपी को पुलिस नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार कर थाने लाई थी। चर्चा है कि एसपी के निर्देश पर नशे के तस्करों की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर आई हुई थी, जहां की जानकारी के बाद रायपुर करछुलियान थाने पर पुलिस बल आरोपी को पकड़ कर लाया हुआ था। सूत्रों का कहना है कि आरोपी अंकित सिंह को लॉकअप से बाहर रखा गया था, ऐसे में उसे भागने का मौका आसानी से मिल गया। अब वह सवाल उठता, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एनडीपीए एक्ट के आरोपी को लॉकअप से बाहर क्यों रखा गया था, कहीं उसे विशेष सुविधा तो नहीं दी जा रही थी। हालांकि थाने से आरोपी के फरार होने पर गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई, फरार आरोपी को धारा 224 का अपराध दर्ज, तलाश भी जारी की जा रही है। डीएसपी हेडक्वार्टर वीपी सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन सातिर तस्कर मौका पाकर हथकड़ी लेकर फरार हो गया। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लगातार ऐसे एक मामले नहीं, अभी कुछ ही दिनों के पहले रीवा से, सतना से और मैहर से कई अपराधी जेल से फरार हुए थे। देखा यह जा रहा कि पुलिस वाकई में पुलिस की बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि कोई भी इंसान हथकड़ी समेत अगर फरार हो रहा तो पुलिस ने कहीं ना कहीं इतनी बड़ी ढिलाई कर रखी हुई थी कि उसे भागने का मौका मिले। हालांकि जैसे कि इसमें डीएसपी के द्वारा भी पूछा जा रहा कि आखिर में वो था कहां, किस हालत में था कि वो फरार हो गया, एक कैदी को जेल में क्यों नहीं डाला गया, रिमांड में क्यों नहीं रखा गया, उस जगह पे क्यों रखा गया कि जहां से वो फरार हो सके। देखा यह जाएगा कि कब तक पुलिस का यह प्रयास सफल होता है और कब उसे ढूंढा जाता है। धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तरंग जोड़ी फोर न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, नमस्कार, जय हिंद।